हाय सुल्तान, अभी आज से पहले तो कभी नॉक नहीं किया। जूफा टेबल पे रख दो। जाके बाथरूम में देखें गर्म पानी आ रहा है या नहीं। गीजर ठीक करवाया था किसी ने तो कराची के सारे प्लम्बर ही मर गए। सुल्ताना भी क्या हो गए? आंखों के साथ साथ कान भी खराब हो गए हैं क्या? सुनाई नहीं दे रहा। उसके मुझे ये बताइए, वो उनका सड़ियल सा बेटा यहाँ से गया या नहीं? लकीली इस घर से अभी तक वो गया नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त आपके इस कमरे में मौजूद है आपके पीछे और आपके लिए नहायत मोहब्बत और अकीदत से जूस लेके आया है शहजादी साहिबा। तुम मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर क्या कर रहे हो? जूस लेके आया हूँ। फाइन, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी तरह प्लीज इस जूस को मत इग्नोर करना, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बिल्कुल नहीं बनाया। तुम पी सकती हो। ओह माय गॉड, यू आर इम्पॉसिबल। हाथ निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन चलो चलो सुल्ताना भी, चलो सुल्ताना भी। क्या वजह है अब? क्या आपने किन अजनबी लोगों को घर में आने दिया जो मेरे कमरे में बिना वजह नॉक के बगैर आ रहे हैं? हद करती हैं। जोया बिटिया, ये आपके पुप्पीजाद भाई अहद, याद नहीं बचपन में आपके इनके साथ खेलती फिरती थी सारे घर में, ये लोग क्या लाहौर गए, आप सब कुछ भूल गई? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ सुल्ताना भी, कि हम दोनों का तो जन्म जन्म का साथ है, बात समझती नहीं है ये। और मैं तुम्हारे दरवाजे पे नॉक करके अंदर आया था, तुम्हें इस बात का पता है? वैसे कुछ लोग गुस्से में भी इतने खूबसूरत लग सकते हैं, इस बात का अंदाजा मुझे आज हुआ। कमाल की खूबसूरत लग गई उस वक्त। सुल्ताना भी, मैं चेंज करने जा रही हूँ। बेबी से कहा है मेरे कपड़े प्रेस कर, कब्रिस्तान जाना है, अम्मो से मिलना है। मैं किसी की भी वजह से अम्मो को वेट नहीं करवा सकती। अहद मियां, नाश्ता करो, चलते बनो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये वो जोया नहीं जिसे तुम जानते थे, ये बहुत खुदसर हो गई है, ये कभी कभी अपनी भी नहीं सुनती, तुम्हारी क्या सुनेगी? आप शायद डॉक्टर अहद को भी नहीं जानते। ये जोया पहले भी आहत की थी और आगे भी आहत की ही होगी, ये बात आप भी समझ लें और इसको भी बता दीजिएगा। अच्छा, चलो नाश्ता करो, बात की बाद में देखी जाए। आ जाओ, चलें नाश्ता करें।